हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में बात करेंगे SSGD के 2024 की जो यहाँ पर रैंक आई क्यों रैंक मित्रा के जो डाउट्स हैं कि जो है नॉर्मलाइजेशन किसका सही है, कट ऑफ किसकी सही रहती है, किस में कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, क्या सही है या गलत है, रैंक आई क्यों बताता है वो सही है या गलत है, रैंक मित्रा आता है वो जो आपका रैंक मित्रा बताता है वो सही है या गलत है, दोनों ही क्या, क्योंकि दोनों आंसर के माध्यम से यहाँ पर जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं किसका डेटा सही है। यहाँ पर सारे प्रूफ्स लेकर के आए हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा की बात करते हैं, डाटा नंबर एक क्या है यहाँ पर देख सकते हो, ये है जो यहाँ पर रैंक IQ के द्वारा बताया गया। रैंक IQ के जो डाटा है वो अभी पहले बता रहा हूँ मैं। रैंक IQ के यहाँ पर पहला डाटा देख सकते हो, स्टूडेंट के यहाँ पर रो मार्क्स थे 88 और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 101.97 बताए गए थे रैंक IQ के द्वारा। वहीं पर बात करें तो आप देखते हो रियलिटी में कितने नंबर हैं, 88 नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो है 100.88 मतलब 101 और यहाँ पर भी 101 ही बताए गए थे। तो एकदम एक डाटा एक जो है एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं डाटा नंबर दो की बात करें तो डाटा नंबर दो में देख सकते हो रो मार्क्स 118 और ये पहले रैंक आई क्योंकि बता रहा हूँ सभी डाटा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 134.50 हो रहे हैं। वहीं पर बात करें तो यहाँ पर देखते हो स्कोर कार्ड में इनके नंबर हैं 118 और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 132, तो यहाँ पर आप देखते हो 132 और 134 यहाँ पर रैंक IQ ने बताया, मतलब दो ही अंक का डिफरेंस है। यहाँ पर एकदम करेक्ट बताया इन्होंने, यहाँ पर देखते हो टोटल कितने हो गए 130। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 16 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर हुआ कितने 14 मार्क्स का हुआ, यहाँ पर 16 का बताया गया, 2 मार्क्स का डिफरेंस है। डेटा नंबर दो भी करेक्ट है। अब बात करते हैं डेटा नंबर तीन में आप रो मार्क्स 136.50 नॉर्मलाइजेशन 147.04, वहीं पर देख सकते हो यहाँ पर रो मार्क्स कितने 136.5 और 144.48 मतलब आप देख सकते हो 3 मार्क्स का डिफरेंस है, 3 ही नहीं है 2 मार्क्स ढाई मार्क्स का डिफरेंस है, ये भी करेक्ट है डाटा नंबर तीन भी। अब बात करते हैं डेटा नंबर चार की, रैंक IQ का डेटा देख लीजिए पहले। डेटा नंबर चार में 112.93 नॉर्मलाइजेशन, पहले स्कोर कितना था 105.50 रो मार्क्स हैं, मतलब यहाँ पर 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बढ़ा 8 नंबर का, 112.93 है ना नॉर्मलाइजेशन और यहीं पर आप देखते हो 105 से 112.89 मतलब 0.4 ही कम है, बस 0.04 मार्क्स ही कम है, 112 यहीं पर इन्होंने बताया रैंक IQ ने और 112 इसका नॉर्मलाइजेशन जो है रियलिटी में स्कोर कार्ड में दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा चार, यहाँ पर चार डेटा मैंने यहाँ पर क्लियरली बता दिया। अब डेटा नंबर यहाँ पर पाँच देखते हैं, डेटा नंबर पाँच में देख सकते हो 125 रो मार्क्स 139.97 यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, 125 तो यहाँ पर रो मार्क्स 136.23 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये भी करेक्ट है, 3 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पांच एकदम डेटा दे दिए हैं जो एकदम रैंक IQ के क्लियर हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रैंक मित्रा के बारे में। रैंक IQ ने जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताए हैं वही हो रहा है, लेकिन अब रैंक मित्रा के बारे में बात कर लेते हैं, रैंक मित्रा का क्या है। तो रैंक मित्रा की बात करें पहले तो यहाँ पर रैंक मित्रा के द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ 150, 153 UR की, 143, 114 ये राजस्थान अलग अलग, यहाँ पर हरियाणा की 149, झारखंड की 134, उत्तराखंड की 141 और दिल्ली की 142 नीचे देख सकते हो। ठीक है, अब OBC की बात करें, OBC की यहाँ पर 145 UP की, राजस्थान की 148, EWS की 141 UP की और राजस्थान की 135, सभी की मतलब 137 से 130 से ऊपर है। तो अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, अब ये क्या है, इसमें एक और दिखाता हूँ मैं आपको अगली स्लाइड, ये है मेन स्लाइड जो रैंक मित्रा ने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया। यहाँ पर देख सकते हो रो मार्क्स थे 160, नॉर्मलाइजेशन 180, रो मार्क्स 157, नॉर्मलाइजेशन 178, 177। ठीक है, 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 151, 176, 25 मार्क्स, ठीक है, 155, 175, 148, 174, 26 मार्क्स,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25-25, 20-20 मार्क्स का नॉमिनेशन हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर 130 कट ऑफ जाने वाली थी उसको एक कट ऑफ ले जा करके 150-145 इस हिसाब से कट ऑफ लेकर गए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 20-20 मार्क्स बढ़ रहे हैं भाई, 5-6 मार्क्स यहाँ पर रैंक आएगी, 5-6 बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो सभी के यहाँ पर इससे नीचे है ही नहीं कोई, सभी के यहाँ पर 20-25 इतने इतने मार्क्स बढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं। तो यदि डाटा को भी उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, डाटा को हिसाब से मिनिमाइज़ करोगे, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ सेम ही जा रही है लगभग। तो यहाँ पर आपको इक्वली यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि आपकी जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें ये तो आपको देखने को मिलेगा नहीं 180 मार्क्स, तो आपको रैंक आई क्यू का देखने मिलेगा। यदि स्कोर कार्ड की तरह से मानोगे तो रैंक आई क्यू एकदम सही है, ठीक है, रैंक आई क्यू एकदम सही है। और रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपको रैंक मित्रा वाला नॉर्मलाइजेशन आपको स्कोर कार्ड में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो आप यदि जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं उस हिसाब से कट ऑफ इनकी हाई सही है। यदि इनके नॉर्मलाइजेशन को वैसे कम कर दिया जाए, 15-15 मार्क्स बता रहे हैं, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ बनाई जाए तो सेम ही कट ऑफ बनती है वो। फिर नॉर्मलाइजेशन के आप यदि रैंक आई क्यू 2-3 मार्क्स बता रहा है तो 2-3 मार्क्स कट ऑफ बढ़ा दीजिए, और ये 20-20 बता रहा है तो 15-20 मार्क्स तक कट ऑफ बढ़ा दीजिए। तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ मान सकते हो आप इतनी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, रैंक आई क्यू का, रैंक मित्रा का यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये था डाटा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मैं हर अपडेट देता रहता हूँ, रिजल्ट की हो चाहे कोई भी अपडेट हो, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डिले नहीं होता है नॉर्मली। अब रिजल्ट कभी भी आपका जारी हो सकता है, इसी सप्ताह बहुत ज़्यादा चांस है। अब फिजिकल की बात करें तो आपको फिजिकल जो है, एक अगली स्लाइड ले लेता हूँ मैं, फिजिकल आपका कब हो सकता है। फिजिकल यहाँ पर चल रहा है अभी ट्रेड्समैन का, 10 जुलाई से आपका जो है ट्रेड्समैन के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अगस्त तक चलेंगे। तो 10 अगस्त तक यदि ट्रेड्समैन के फिजिकल चलेंगे तो आपका यहाँ पर जीडी का बीच में होने का चांस नहीं है, क्योंकि कई सेंटर्स वही हैं जहाँ पर जीडी के आपके फिजिकल होने हैं, तो लगभग क्राइटेरिया सेम ही है, तो इसलिए 10 अगस्त तक चांस नहीं है कि आपके फिजिकल होंगे। तो इसलिए रिजल्ट भी वो लग रहा है इसी सप्ताह में, यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद है कि हो जाए, क्योंकि इसी सप्ताह में एसएससी के जो है फेज 12 की आंसर की जारी कर दी, जो यहाँ पर 2 एसएससी के अलग रिजल्ट भी जारी कर दिए, एसएससी सीपीओ की आंसर की जारी कर दी। अब आपकी जो एसएससी आपकी जीडी की आंसर, जो आपका सॉरी आंसर की और आपका जो रिजल्ट दोनों साथ आ सकता है, आपकी फाइनल आंसर की आएगी वो भी उम्मीद है, क्योंकि उस वो भी लिंक वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो फाइनल आंसर की और आपका जो रिजल्ट है वो दोनों साथ में देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पर। और साथ में ये भी लग रहा है कि जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा डिले न करने के चक्कर में यदि 10 अगस्त के बाद में फिजिकल होते हैं तो आपका जो है मेडिकल भी साथ में ही करवा दिया जाए, तो दोनों तीनों चीज़ें और स्कोर कार्ड सभी साथ में आ जाएंगे बाद में। स्कोर कार्ड 10-15 दिन बाद में आ सकता है यदि फाइनल आंसर की साथ में आती है, तो ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट का आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, रिजल्ट जैसे आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस अपडेट्स के लिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।